नमस्कार दोस्तों, क्या कैसे करें में आपका स्वागत है। आज 8 दिसंबर 2018 के मुख्य समाचार इस प्रकार से हैं। श्रीनगर में पारा पहुंचा -4, जम गई डल झील। पीएम मोदी के शासन में ईवीएम के पास आ गई हैं रहस्यमयी शक्तियां, राहुल गांधी। रथ यात्रा रोकने को लेकर शाह का ममता पर हमला, कहा बंगाल में ईंट से ईंट बजा देंगे। राम मंदिर पर बोले योगी, मेरे हाथ में होता तो सिर्फ 24 घंटे में कर देता निपटारा। योगी के बयान के बाद हनुमान को दलित का प्रमाण पत्र देने के लिए किया गया आवेदन। कभी 1300 की नौकरी करता था कपिल शर्मा, ट्रकों में करता था कोल्ड ड्रिंक के क्रेट लोड। लोकसभा चुनाव से दूरी बनाने लगे हैं ये बीजेपी नेता, क्या सता रहा है हार का डर। भगोड़े आर्थिक अपराधियों को कहीं छुपने नहीं देगी सरकार, नरेंद्र मोदी। राजस्थान चुनाव, जोधपुर में 114 वर्ष की महिला ने किया मतदान। राजस्थान चुनाव शाम 5 बजे तक 72.37% मतदान, दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद। प्रदेश के खिलाड़ियों को जल्द मिल सकती है नौकरी की सौगात, हरियाणा सरकार। सर्वे, बीजेपी के 2 राज्यों पर संकट, एक राज्य जा सकता है कांग्रेस के पास। फैसला, माल्या को भगोड़ा घोषित करने के लिए कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। खुशखबर, उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में 15 दिन के अंदर होगी 5034 गेस्ट टीचरों की नियुक्ति। आय से अधिक संपत्ति मामले में पेशी पर आए ओम प्रकाश चौटाला, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार। एग्जिट पोल, राजस्थान में कांग्रेस की वापसी, भाजपा को लग सकता है झटका। सुरजेवाला ने पीएम मोदी की तुलना तुगलक से, सीएम योगी को बताया औरंगजेब। रोडवेज के बस चालक परिचालक को लाठी डंडों से दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बच्चे ने हाई टेंशन तारों में लगा दिया सरिया, धमाके से लगी आग, कई झुलसे। स्टेज पर बेहोश हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, लोगों ने संभाला, ले गए अस्पताल। थोड़ी देर बाद गडकरी ने ट्वीट कर बताया क्या थी बेहोशी की वजह। पंजाब, 1 लाख किसानों का 1771 करोड़ रुपए का कर्ज माफ, अरविंदर ने किया वादा, कल तक खाते में आ जाएंगे पैसे। राजस्थान एग्जिट पोल, राजस्थान में वसुंधरा को झटका, कांग्रेस की सरकार बनने के आसार। नासा के वैज्ञानिकों का दावा, धरती पर आ चुके हैं कई बार एलियंस। प्रियंका चोपड़ा 45 वर्ष की आयु में करेगी राजनीति में प्रवेश। तो दोस्तों, आज के समाचार समाप्त होते हैं। आशा करते हैं आपको समाचार पसंद आए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।